तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने बुधवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दरमियान दोनों में सामंजस्य की भारी कमी दिखाई दी। दरअसल सीएम चंद्रशेखर की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, परंतु दोनों नेताओं में बैठने और खड़े रहने पर एक राय नहीं बन पाई तो पीएम पद के कैंडिडेट के लिए क्या एक राय बन पाएगी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के बारे में सवाल किया तो नीतीश अपनी कुर्सी से उठ गए और कहने लगे, ये सवाल छोड़ दीजिए। हालांकि सीएम चंद्रशेखर राव बोलते रहे और नीतीश को बैठने के लिए कहते रहे, मगर सीएम नीतीश उन्हें उठकर चलने के लिए कहते दिखे। ये वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा? मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा? आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार हैं, मैं आपसे भी होशियार हूँ, मैंने कह दिया है। मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास, बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सब के बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग नाइट करने की कोशिश करें। जी जी बैठिए ना, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको आप